हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकेट। और आज हम देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। मैं वो सारी बुक्स डिस्कस करूंगा जो अभी 2016 और 17 के बीच में आई हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, तो सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अभी एफ कैट है, सी डी एस है, एस एस सी, ये सब आने वाले हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहली बुक है ट्रांसडेंस। इसका पूरा नाम है माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी महाराज, ए पी जे अब्दुल कलाम विद अरुण तिवारी है। और अरुण तिवारी आपको पता ही होगा, जो ए पी जे अब्दुल कलाम जी की जो बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसके भी अरुण तिवारी ही राइटर थे। ये चीज़ आप बहुत ध्यान में रखिए कि जो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की जो बुक्स हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप इसे ध्यान रखिए, इसका नाम ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट बुक है मिडनाइट फ्यूरीज, और इसका पूरा नाम है मिडनाइट फ्यूरीज द डेडली लेगेसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और इसके राइटर हैं नासिद हजोरी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है, इसको एक अवार्ड मिला है 2016 में जिसका नाम है विलियम ई कोलबे अवार्ड, ये 2016 में मिला है। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बुक आई थी लास्ट ईयर हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनकी बुक का नाम है द टर्बुलेंट ईयर्स। अभी अभी हमारे ये जो प्रेसिडेंट हैं वो रिटायर हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, द टर्बुलेंट ईयर्स बाय प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट बुक है चरावती चरावती। ये बुक जो है वो राम नायक जी हैं, जो यूपी के गवर्नर हैं इस टाइम, उन्होंने लिखी है। और ये जो चरावती चरावती का जो मतलब है, उसका मतलब होता है मार्चिंग अहेड। सो फ्रेंड्स, आप इसको भी याद रखें क्योंकि काफ़ी रेनाउंड गवर्नर हैं ये हमारे। नेक्स्ट बुक है अंधेरे से उजाले की ओर, और ये लिखी है अरुण जेटली जी ने। और आपको पता ही है अरुण जेटली जो हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं ही, और साथ में मनोहर पर्रिकर जी के गोवा के मिनिस्टर बनने के बाद अब ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं साथ में। अब नेक्स्ट बुक है डेथ अंडर द दियोदार्स, और ये लिखी है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बच्चों के बीच में बहुत फेमस राइटर हैं, ये बच्चों की बहुत सारी बुक्स लिखते हैं। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि जो रस्किन बॉन्ड है वो फॉरेन राइटर हैं। एक्चुअल में जो रस्किन बॉन्ड हैं वो ब्रिटिश मूल के हैं, उनके जो फादर थे वो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, इंडिया में ही वो ब्रिटेन की एयरफोर्स थी उसमें थे, तो लेटर ऑन रस्किन बॉन्ड यहीं पे रहे, वो मसूरी में रहते हैं। रस्किन बॉन्ड की अगर बात की जाए तो उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द ब्लू अम्ब्रेला, और इस बुक पे एक मूवी भी बनी थी जो विशाल भारद्वाज जो हैं उन्होंने बनाई थी, और इसी नाम से मूवी भी बनी थी, और इस मूवी को बाद में नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म की कैटेगरी में। और रस्किन बॉन्ड इनको 2014 में पद्म भूषण भी दिया गया है, तो ये भी आप याद रखें। द सेल आउट, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 2016 में इसको बुकर प्राइज़ मिला है। बुकर प्राइज़ फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये जो बेस्ट नोवेल जो इंग्लिश में लिखी हुई है उसको दिया जाता है। तो लास्ट ईयर बुकर अवार्ड मिला था वो पॉल बेटी की द सेल आउट, ये बुक आप देख रहे हैं, इसको मिला, ये जो है ये पॉल बेटी हैं। ये बुक इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं एग्जाम में, जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। वो इसीलिए क्योंकि ये बुकर के लिए नॉमिनेट हुई है, और ये लिखी है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय 20 साल बाद वापस आके कोई बुक लिख रही हैं, और अरुंधति रॉय जब उनकी पहली डेब्यू नोवेल थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में आई थी, इनकी डेब्यू बुक को ही बुकर मिल गया था। तो आप इस बुक का भी नाम याद रखें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, बुक का नाम है, नीचे इसकी सब हेडिंग है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये बुक लिखी है शशि थरूर, आपको पता ही है शशि थरूर के बारे में, सो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बुक है द पीपल प्रेसिडेंट, बायोग्राफी ऑफ ए पी जे अब्दुल कलाम बाई एस एम खान। और मैंने आपको पहले भी बोला था, जो भी ए पी जे अब्दुल कलाम की बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। और एस एम खान जो हैं वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और करेंटली डायरेक्टर जनरल हैं रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया में, तो इस बुक को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट बुक है माई ओडिसी, और ये लिखी है के राधा कृष्णन, साथ में निलंजन राउत। और
ये बेसिकली जो बुक है वो के राधा कृष्णन के ऊपर है। आप यहाँ देख सकते हैं बुक का पूरा नाम है माई ओडिसी मेमरीज ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन। और जो के राधा कृष्णन है ये इसरो के चेयरमैन थे 2009 से 14 के बीच में, और मंगलयान में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो इसी के ऊपर ये बुक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बुक है अ लाइफ इन साइंस बाय सी एन राव। अब सी एन राव कौन है? सी एन राव एक इंडियन केमिस्ट हैं और इनको 2013 में भारत रत्न मिला था। और आपको पता होना चाहिए कि 2013 में एक और पर्सन को भारत रत्न मिला था, आई होप आपको पता होगा, सचिन तेंदुलकर थे वो। सचिन तेंदुलकर को भी इनके साथ 2013 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये भारत रत्न विनर हैं, तो इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अ लाइफ इन साइंस बाय सी एन राव। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट बुक है वो है द गोल्डन हाउस, और ये लिखी है बहुत ही रेनाउंड राइटर हैं ये सलमान रशीद, और इनको कोई इंट्रोडक्शन की खास जरूरत नहीं है। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं, इसलिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और अगर सलमान रशीद इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने अपना जो सेकंड नोवेल लिखा था उसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, और ये इन रिलीज हुई थी 1981 में, और इसके लिए इनको बुकर अवार्ड मिला था, बुकर प्राइज मिला था इनको, और लेटर ऑन इनको बुकर ऑफ बुकर मिला इसी बुक के लिए। अब बुकर ऑफ बुकर ये होता है कि जो भी बुक बुकर अवार्ड जीतती हैं उसके बाद भी एक बड़े लेवल पे अवार्ड दिया जाता है, जो होता है कि बुकर ऑफ बुकर मीन्स जो जो बेस्ट बुक्स रही हैं जिन जिन को बुकर का अवार्ड मिला है उनमें से एक बुक नॉमिनेट की जाती है एज अ विनर। तो ये प्राइज भी इस बुक को मिला, द मिडनाइट चिल्ड्रन। और इनकी एक और बुक है जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही थी, इन्होंने अपनी फोर्थ बुक जो लिखी थी उसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं, द सैटेनिक वर्सेस बाय सलमान रशीद। नेक्स्ट बुक है मातोश्री, और मातोश्री लिखी है सुमित्रा महाजन, और आपको पता ही है ये लोकसभा की स्पीकर हैं अभी हमारी। ये देखिए ये बुक जो पीएम मोदी खुद लॉन्च कर रहे हैं, ये रही इनकी बुक, और ये रही सुमित्रा महाजन, और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और अगर मातोश्री की बात की जाए तो ये जो मराठा क्वीन थी अहिल्या होलकर, तो उन पे बेस्ड है ये। जो नेक्स्ट है वो एक नहीं एक्चुअली दो बुक्स हैं, पहली बुक का नाम है द क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर, और दूसरी है 50 इयर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लिखी किसने है? ये लिखी है एम एस स्वामीनाथन। आपको पता ही होगा एम एस स्वामीनाथन इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो हरित क्रांति हुई थी उसके फादर माने जाते हैं ये इंडिया में। तो ये दो बुक लॉन्च की है इन्होंने, द क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर और 50 इयर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप देख सकते हैं पीएम मोदी जी ने खुद ये लॉन्च की है बुक, तो एज ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन दिस बुक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सो इसे भी याद रखें आप। तो फ्रेंड्स अभी तक तो मैंने आपको 15 बुक बता दी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और उसके अलावा भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, और ये भी काफ़ी पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ माय लाइफ बाय युवराज सिंह, युवराज सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। आपको पता ही है युवराज सिंह को कैंसर हुआ था और उनकी लाइफ कैसी रही है, कैसे उनकी उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो इस बुक में उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बुक है प्लेइंग इट माय वे, एंड इट इज़ नन अदर देन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे, तो इसको भी आप याद रखें। और आपको पता ही होगा 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, तो ये भी आप याद रखें। प्लेइंग टू विन ये है साइना नेहवाल की बायोग्राफी, और साइना नेहवाल आपको पता होगा कि 2012 ओलंपिक्स जो हुए थे वहाँ पे इन्होंने, ये देख सकते हैं आप, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 2012 जो ओलंपिक्स हुए थे वो लंदन में हुए थे, तो इनका बहुत ही बड़ा एक तरह से योगदान है इंडिया के बैडमिंटन में, जो आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत नए नए प्लेयर उभरते हुए आ रहे हैं, पीवी सिंधु को देख लीजिए आप जैसे, तो इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ में। और आप कन्फ्यूज ना होएं, दो नाम हैं, जैसे अभी हमने लास्ट देखा था प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, और प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की, तो आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों में। नेक्स्ट बुक है ऑड अगेंस्ट द एस, और ये सानिया मिर्जा की बुक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अभी तक, तो इसको भी आप ध्यान रखें कि ऑड अगेंस्ट द एस, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि
एस जो होता है वो कौन से गेम में होता है, टेनिस में होता है, और टेनिस कौन खेलती हैं, सानिया मिर्ज़ा खेलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से याद रखें। लास्ट बुक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सिक्स मशीन बाय क्रिस गेल। आपको पता ही होगा कि क्रिस गेल हैं वेस्ट इंडीज़ के धुआंधार बल्लेबाज, बहुत विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, आईपीएल में इनका जलवा रहता है हर साल। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है सिक्स मशीन, और इसकी टैगलाइन देखिए, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो भी मैंने बुक्स बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन बुक को आप ज़रूर ज़रूर देख के जाएँ, और आपको डेफिनेटली ये एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगी। और हमारा जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्रिकेट नाम है चैनल का। ये लिंक खोल के भी आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट करती रहेंगी। ओके, बाय बाय।